सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा दोस्तों, बिल्कुल ही सही देखा। अगर आप एक बीएसएनएल के ग्राहक हो और आप यहाँ पे चलाते हो बीएसएनएल का सिम कार्ड तो, और आप यहाँ पे बात करना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ पर कस्टमर केयर से किसी भी रीजन की वजह से, या यहाँ पर आपका बैलेंस कट गया, या यहाँ पर आपका जो है सिम में किसी प्रकार का नेटवर्क का इशू आ रहा है, या यहाँ पर आपका जो है सिम कार्ड खो गया, चोरी हो गया, वो सिम कार्ड को बंद करवाना चाहते हो, ये यहाँ पर नया रिचार्ज प्लान के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कस्टमर केयर से किसी भी रीजन की वजह से आप बात करना चाहते हो डायरेक्ट बात, तो कैसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, कौन सा नंबर पे आपको कॉल करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है यहाँ पर डायरेक्ट बात करने के लिए, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल से। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, करना क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो बीएसएनएल का सिम कार्ड है जो आपका फोन पे लगा हुआ है, वो सिम कार्ड से आपको एक नंबर डायल करना है। ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पर आप बिल्कुल ही फ्री में डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो नंबर क्या है, तो चलिए यहाँ पर आप नोट कर ले, अगर आपने नोट नहीं किया है तो यहाँ पर आप नोट करना शुरू हो जाए, यहाँ पर कॉपी पेन लेकर आपको बाद में भी काम आएगा। यहाँ पर आप नोट कर ले दोस्तों, आपको जो नंबर पे डायल करना है वो यहाँ पर आपको डायल करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये नंबर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 1503 1503। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डायल करना है 1503 पे, आपको बीएसएनएल के सिम कार्ड से 1503 आपको ये कॉल कर देना है आपको बीएसएनएल का सिम कार्ड से। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो हिंदी के लिए यहाँ पर आपको दो दबाना है, दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपको 9 दबाना है। जैसे ही आप यहाँ पे 9 दबाओगे दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमने 9 दबाया और यहाँ पर कस्टमर केयर से कनेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कॉल जो है कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कस्टमर केयर से। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर जल्द ही कस्टमर केयर आपसे बात करेगा। जी हेलो सर, जी नमस्कार सर, जी जी सर, मेरा ये जो है सिम कार्ड पे सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा होगा वो मुझे जानना था। जी 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 जी, थैंक यू सर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे बीएसएनएल कस्टमर केयर से इजीली बात कर पाओगे मिनटों में बिना कोई झंझट के। ये जो नया तरीका मैंने बताया है, इससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ये नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जो यहाँ पर परेशान है बीएसएनएल कस्टमर केयर से बात नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो भी इजीली यहाँ पर ये नंबर के द्वारा यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर जो है कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो नहीं, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।